अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी रेटिश नक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरी प्यारे ने इतना ज़्यादा मेरे से पूछा था, जो कि मैं बहुत टाइम से ही यूज़ कर रही थी और मेरी सिस्टर जो मेरे से भी पहले के यूज़ कर रही है, वो है जी ब्रॉन की ये वाली IPL लेज़र। ये वाली प्रो है, प्रो 5 जो न्यू मॉडल है इसका, ब्रॉन का। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आइदर ये इसको बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, कैसा इफेक्ट रहा। मेरी सिस्टर को हो गए थे इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर होने वाला है उसको यूज़ करते हुए। तो मैंने सोचा मैं भी मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेज़र ले रही थी और मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो वीडियो में शेयर भी किया था, आप लोग जाके सुन सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इधर बटन लगा हुआ है इसके ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये होती क्या है, ये आपका कैसे फायदा देती है, आपको कितने चार्जेस हैं, कैसे कैसे ये वर्क करती है, सब हम पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये होती कैसी है। ये इसका बॉक्स है जी, और ये इसको खोलते हैं, ये देखिए इसके अंदर निकलता है ये वाला पाउच, ठीक है, ये पाउच निकलता है। पाउच के अंदर जो है ये लेजर की चीजें हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं। एक तो आपका देखिए, फुल बॉडी की आप लोग लेजर लेते हैं किसी भी क्लिनिक से जाके, लेजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोग जो है वो झंझट खत्म करना चाहते हैं कि हमने जो है ये बार बार वो रेजर नहीं मानी, या जिनके थिक बाल है ना तो वो पैसे शैसे जमा करके ना क्लिनिक में ना जाया करें, एटलीस्ट अपनी जो है वो लेजर खरीद लें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो है ये वाला, इसके अंदर ये 50% फास्टर है बाकी लेजर से। इसमें ये होता है कि देखिए, क्लिनिक में अगर आप जो है 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं जाके, आपको 6 सेशंस दिए जाते हैं और हर सेशन जो है आपके बालों की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट सेशन के बाद जो है वो जिनके बाल आते हैं, जितनी देर के बाद बाल आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनका सेकेंड सेशन डिपेंड करता है, लेकिन रिजल्ट जो है वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर, आपके स्किन कलर के ऊपर और कहाँ कहाँ किस किस पार्ट पे आपने लेनी है लेजर, तो ये वेरी करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इसको जो है वो लेजर से फायदा आ गया है तो मेरे जो है वो लेजर से मेरे भी खत्म हो जाएंगे। मैंने जो आप लोगों को बताया था मेरे फेस की, मैंने लेजर ली थी तो मेरे फेस पे जो है वो बाल मेरे नहीं थे, मुझे बस दिल करता था, बाल मेरे थे रुआ, तो मेरा दिल करता था कि कोई भी बाल ना हो बॉडी के ऊपर ना, तो फेस के ऊपर भी वैसे एक नीट क्लीन होना चाहिए। तो मैंने बस छेड़खानी की है अपने अपने इसके साथ, फेस के साथ। मैंने अपना बताया भी था वैक्सिंग वाली वीडियो में, लेजर वाली वीडियो में भी, वो भी जाके आप सुन सकते हैं, मैं इधर डाल भी दूंगी उसका लिंक। तो मैंने जनाब क्या किया, मैंने लगा लिया, मैंने लाइक सेफ्टी मार के, जो पहले लेजर जो है ना वो मारते हैं उसके बाद जो है वो लेजर करते हैं। तो अब भी मुझे लगा था कि जब मेरे 6 सेशंस होने वाले थे ना कंप्लीट, तो मुझे फील हुआ कि मेरे बालों की ग्रोथ जो ठीक होना शुरू हो गई है। लाइक मैंने अंडर आर्म में भी लिया और 3 सेशंस के बाद ना मेरे पूरे बाल खत्म थे अंडर आर्म में। लाइक फर्स्ट सेशन के बाद ही इतना अच्छा रिजल्ट था कि इतने टाइम के बाद जो है वो बाल आया था, लेकिन 3 सेशंस के बाद ये नहीं होता कि बाल बिल्कुल खत्म होते हैं, उसमें ये होता है कि बालों की जो थिकनेस है ना वो कम हो जाती है, बिल्कुल जैसे बारीक धागा टाइप ना, धागे से भी बल्कि कम बारीक जो है उस तरह के बालों का टेक्स्चर होता है, लेकिन ये खत्म नहीं होते हैं परमानेंटली, ये आपने बात बिठा देनी है, बट इस तरह होते हैं कि इनविजिबल टाइप हो जाते हैं, बहुत थिन सा, ऐसे आप खींचेंगे ना तो वैसे वो रबर से बन के उतर जाएगा, इस तरह का होता है, ठीक है। तो मैंने जनाब जब मेरे बाल ठीक होना शुरू हुए ना, मुझे लगा कि मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ फेस के ऊपर, मैंने क्या बाल, मेरे बालों की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है, जबकि मुझे आर्मपिट पे जो है वो मुझे लगा कि वाकई बालों का मतलब लाइक बड़ा फर्क पड़ा है। तो मैंने अब भी मैं क्या किया कि मैंने अपना पैसे क्यों ये वेस्ट करती जाऊँ मैं क्लिनिक में सेशन देने के लिए, तो मैंने जो है अपनी सिस्टर को बोला और मैंने मंगवाई है ये ऑस्ट्रेलिया से। ये कुछ इस तरह से दिखती है, ये देखें, ठीक है, मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगी। इसका मुझे बेहतरीन चीज़ पता क्या लगती, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, आपने जिस बॉडी पार्ट पे भी करना है ना, ये खुद उसके अपने आपके स्किन के अकॉर्डिंग, आपके स्किन कलर के अकॉर्डिंग, स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग खुद ही लेवल जो अपने सेट करती है। लाइक ये 10 तक लेवल है इसके, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने अंडर लेग करना है तो सेंसिटिव एरिया है वो वाला बहुत, तो उस पर जो है 3 से 4 लेवल तक खुद ब खुद एडजस्ट करेगी, हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। फेस पे करेंगे, फेस पे जिस तरह का टेक्स्चर होगा उसके
उसके अकॉर्डिंग जो है लेवल सेट करके आपको रिकमेंड करेगा और वहां से आप जो क्लिक कर देंगे। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। इसके अंदर जो है ये इसका अडैप्टर होता है और इन्होंने दो तरह के स्विचेस दिए हैं, एक ये वाला टांग है, इस की टेढ़ी टांग है इसकी, ठीक है, और एक जो होता है थ्री स्विच है, ठीक है, दोनों सेम ही इसमें अटैच होते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी ना, तो उसके उधर जो स्विचेस हैं वो इस तरह के यूज होते हैं टेढ़े वाले, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में सीधे वाले होते हैं ऐसे वाले दो, तो ये मुझे बड़ी मुश्किल होती है, स्विचेस जो है वो खराब हो जाते हैं ऐसे टेढ़ा टेढ़ा डाल डाल के अंदर। तो इसलिए आप लोगों ने देखना है जहां पे, ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे पाकिस्तान का नहीं पता है कहाँ से मिलती है कहाँ से नहीं। तो इसके साथ जो है एक ये वाला भी है, ये वाला जो है बड़े एरियाज के लिए है, बॉडी के लिए है, फेस के लिए भी है, और ये जो है स्मॉलर ये सेंसिटिव एरिया के लिए है, छोटे छोटे पैचेस जहां पे भी आपकी ये चीज नहीं, लाइक मैं ये जो है वो यहाँ पे यूज करती हूँ यहाँ पे और ये यहाँ पे, इवन दैट मैंने यहाँ पे ना मेरी ये वाली आईब्रो इतनी थी, ठीक है, मैं मुझे किसी ने कहा कि आप जो है आईब्रो अपनी छोटी करें और आप मतलब कि आपका ये स्ट्रक्चर जो है ना ये ब्रॉड हो जाएगा, तो मैंने जो ऐसे किया और मैंने ये दो बार किया यहाँ पे, तो मेरे बाल है ना बंद ही हो गए यहाँ पे, इतनी अब इतनी आती है, ठीक है। सो ये चीज है, ये मुझे बड़ी मजे की चीज लगी थी ये वाली, तो आप सेंसिटिव एरिया पे कर सकते हैं, हल्की सी चुभन होती है, साथ जो है इसके ये वाला रेजर होता है, ये मैंने खोला नहीं है ये वाला, ठीक है, मुझे प्यारा इतना लगा था मैंने खोला नहीं, मैंने अपना जो है वो रेजर ये वाला जिलेट का रखा हुआ है, और जो मैं खुद ऐसे जहां भी मुझे करना होता है इजिली मैं कर लेती हूँ। दूसरी बात ये बात याद रखिएगा कि इन्होंने ना थ्री लेवल्स दिए हुए हैं, मिनिमम मीडियम और हायर होता है। इसमें यह है कि अगर आपको ज्यादा चुभ रही है आपकी जो ये लेजर है, तो आप उसको मिनिमम लेवल पे करके यहाँ पे इसको क्लिक करके तो आपको जरा ठंडक वाला जो चुभन है ना वो कम हो जाती है, हल्की स्टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे हल्की हल्की छोटी सी सुइयां चुभ रही है ना बस वो। लेकिन मैं तो कहती हूँ लड़कियां ज्यादा बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि लड़कियों ने जितना फैशन उनको उन्होंने दर्दे बर्दाश्त कर ली होती है ना, वो वैसे ही उनको ये चीज कुछ नहीं लगती, हल्की हल्की सी फील होती है। बट जो लड़के हैं ना, मैंने अपने हस्बैंड के किया जब ये यहाँ पे करने लगी ना, वो तो ऐसे जंप मार रहे थे, ओ हो हो हो, मैंने फिर उनको बोला देखिए लड़कियाँ कितना बर्दाश्त करती है, कितना कुछ वो सहती है बेचारी फैशन के लिए। और फिर यहाँ पे भी किया उनके, लेकिन ये था, मैं एक और बात बताऊँ यहाँ पे कि जहाँ पे आपका ये फ्लैश लगेगा ना वहाँ पे आपके इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अब मेरे बाल हैं, मैंने लेजर करने से तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना दूँ, ये देखिए मेरे बाल आए हुए हैं और कहीं यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, ये पैच पैच बने हुए हैं, ठीक है। ये पैच क्यों है अब मैं ये भी बताती हूँ, आपने जब भी करना है प्रॉपर स्केच बना के, लाइक बॉक्सेस बना के आउटलाइन ले लें, जो होंठों पे लिप लाइन लिप पेंसिल होती है उस पर जो हल्के हल्के लाइंस लगा के पैचेस बना लें अपने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके ऊपर करेंगे तो आपका कोई पैच मिस नहीं होगा। मैंने रैंडम फटाफट ऐसे ऐसे बस मार मार के ना, ये देखिए यहाँ पे भी बाल नहीं है और यहाँ पे भी हैं बाल, बाहर से दिखाती हूँ ये देखिए, ठीक है। सो इसी तरह जो है आपने बस बना के वो क्या कहते हैं लाइंस बना के तो आपको करना है इसके ऊपर। तो अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ऑन कर लिया है इसको, ये देखिए यहाँ पे ये मीडियम लेवल के ऊपर है, ठीक है, इसको ऑन करेंगे, ये हुई है अब स्टार्ट, ठीक हो गया। अभी देखिएगा मैं आपको अब बताती हूँ, ये लेवल बताएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने अपने ना अभी मैंने कल किया है अपने फेस के ऊपर, तो मैं अब फेस के ऊपर नहीं करके दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, ये मैंने किया, ऐसे अपने लेजर के साथ, ये देखें आपके स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ऐसे एज इट इज आप लोगों ने इसको यूज करना है। ये मैंने बाल उतार लिए यहाँ से, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये देखें ये सेंसिटिव लेवल जो है अपने खुद ही वो डिसाइड कर रहा है कि इसको कितना डालना है, ये कर रहा है 1 2 3 4 5 6 लेवल जो है ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है, ये देखें ये हो गया। अब यहाँ पे भी अच्छा एक और बात याद रखिए, अब मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो ये देखिए यहाँ पे ये वो रेड लाइट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको करूँगी यहाँ पे रेड लाइट चली, जब मैं इसको ऐसे करूँगी ना प्रॉपर इसकी पोजिशन बनाऊंगी देन ये ब्लू होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपने करना है, इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट जो कर लें, जहां पे एक बार आपका फ्लैश लग गया आपने दोबारा जो है वहां पे
दोबारा फ्लैश नहीं लगाना है। और एक और बात याद रखिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस तरह की, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा जी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अभी देखिए मैंने रेजर से बाल रिमूव किए हैं ना, तो इसके ऊपर जब वो लेजर करूंगी तो फिर हमें जो बाल पोर के अंदर होगा वो बाहर आएगा, हम कहेंगे कि जी कोई फायदा नहीं हुआ इसका। इसी तरह मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि जी ये कोई फायदा नहीं हुआ, ये देखो बाल दोबारा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, मैंने उनको बोला कि जो पोर के अंदर आपका बाल था ना, एक रूट है नीचे, रूट के साथ जो आपके पोर के साथ बाल है ना, वो तो आपका बाहर आना ही आना है। जो नेक्स्ट रूट आनी है आपकी, वो ग्रो करनी है, वो जो है वो टाइम लेगी आपका दोबारा बाल रीग्रोथ होने में। बेसिकली ये रूट को बर्न करती है। सो इसलिए ये चीज़ है कि आपने पहले एक दफ़ा करके अपने बालों की ग्रोथ का देखना है कि कितने टाइम के बाद जो है आपके बाल आते हैं या कैसा इफेक्ट आता है। सेकेंड पॉइंट एक ये कि आपने पहले ये वाली जो लेजर है ना, ये वाली, ये हर हफ्ते पहले करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। एवरी वीक जो है 7 डेज के बाद जो है दोबारा अपने फेस के ऊपर कर ले 3 सेशंस लेने के बाद इसके, ठीक है। उसके बाद जो है आप खुद, आपकी ग्रोथ जो है खुद ब खुद डिले होना शुरू हो जाएगी और आप खुद देखेंगे आपको बालों का जो है वो कितना असर होना शुरू हो गया है कि लाइक बाल जो है बहुत देर के बाद बाहर आते हैं। एक और चीज़ मैं करती हूँ कि मैं जब ये बाल, ये लेजर करती हूँ ना, उसके बाद जो पोर के अंदर बाल होता है ना, वो इतना इतना जब बाहर आ जाता है ना, इतना इतना सा, ठीक है, बाहर आ जाता है ना, मैं पूरी वैक्स लगा के ना ऊपर से पूरा बाल जो है वो खींच लेती हूँ, वो विदाउट एनी पेन ना, वो पूरा का पूरा बाल जो है टूटा हुआ बाल जो रूट के अंदर भी होता है, हालांकि अगर मैं सेफ्टी मारूंगी या रेजर करूंगी तो ऊपर से वाला बाल जो है वो टूटेगा ना, बट जो नीचे वाला है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन बाद बाहर आ जाता है, 2 दिन बाद बाहर आता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, पूरी वैक्स लगा के पूरे ऐसे फेस के ऊपर ऐसे इसको साफ कर देती हूँ, पूरे के पूरे आराम से बाल जो है बाहर आ जाते हैं और मेरा फेस जो है ऐसे क्लीन और स्किन सॉफ्ट हो जाती है। सो ये भी आप लोग अपने पॉइंट साथ कर सकते हैं। एंड आई होप, यस, मैंने प्राइस तो बताई नहीं, सच प्राइस इसके अंदर जो ना फ्लैशेस 4 लाख होते हैं, 4 लाख फ्लैशेस होते हैं और आपके तकरीबन अगर आप पॉकेट मनी में अपनी जोड़ के ना ये एक बार ले लोगे ना, तो आपके 2.5 साल गुजर जाएंगे, 2.5 साल आप एक पर्सन के, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे, उसको होने वाला 1.5 साल होने वाला है, तो अभी तक उसकी परफेक्ट चल रही है। तो आपने देखना है कि आपको अगर आप अकेले नहीं करना है, फुल बॉडी पे करना है, आपका 1.5 साल 2 साल तो इजीली निकल जाएगा इसके एक पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो ये आती क्या है प्राइस, मुझे ये ज़रा सस्ती पड़ी थी क्योंकि 75,000 में मुझे पड़ी थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी, तब सेल भी लगी हुई थी उधर, इसलिए मैंने फ़ौरन से जो है वो अपनी सिस्टर को बोला कि तुम आ ही रही हो तो ले आओ मेरे लिए भी। और यहाँ पे जो है मुझे नहीं पता है कि यहाँ कहाँ से मिलती है, बट इसकी ऑनलाइन जो प्राइस आ रही है वो 95 तक आ रही है, और लाइक 80-95 तक ना अगर आप इस स्टोर से जाकर मालूम करेंगे तो 85 तक या 90 तक तो मिल ही जाएगी। और 90,000 अगर हम इसकी प्राइस लेंगे, 85,000 इसकी प्राइस लेना, तो ये बाकी अगर आप देखें कि आपकी पूरी बॉडी की हो रही है और सेशन जो है आप 1.5 लाख में ले रहे हैं, 6 सेशन जो है, तो इसलिए पॉकेट मनी जोड़ के एक बार ले लो, बड़ा फायदे वाली चीज़ हो जाती है आप लोग, आपके लिए, और बड़ा आराम से सुकून से जो टाइम जो है वो गुजर जाता है और आराम से विदाउट एनी झंझट ना आप अपने खुद भी लेजर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और न्यू रेमेडी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।